चल भी आ रहे हैं। नहीं है, मैं बाहर बैठी हूं। उतना नवासा नहीं आया ये चल नवासा है। यासिर आपकी डिलीवरी जो मेमोरेंडम दिया गया है डिविजनल कमिश्नर को, क्या डिमांड है आप लोगों? आज दो निवेदन दिए गए यहाँ से। एक निवेदन जन जागरण समिति महाराष्ट्र की तरफ से दिया गया है और एक निवेदन जो दिए हमारे आपेदापा और बाकी जो महिला है जो उनकी तरफ से दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल संस्था की तरफ से। दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट है और बहुत पुराने हैं। गुजरात के अंदर जो लोगों को कल छोड़ दिया गया है, देश की 75वीं सालगिरह के मौके के ऊपर, जो ऐसे दोषी लोग जिसने जो है रेप केस के अंदर उनको सीबीआई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, ऐसे 11 लोग ने मिलकर जो है एक मजलूम औरत का, साथ में अल्फाज भी बोलने को नहीं आते कि उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया और 7 लोगों का उन्होंने मर्डर किया। इस सारी चीज़ को नीचे की सीबीआई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बावजूद रियासत की गुजरात सरकार ने ऐसे दोषियों को कानून के खिलाफ जाके उनको कल रिहा कर दिया है। ऐसा काम करने से गुनाहगार लोगों के अंदर जो है और इस तरह की जो है माफ़ी की वजह से उनमें और गुनाह के रास्ता अख्तियार करेंगे और ये कानून का उल्लंघन है। ख्वातीन की जो इज्जत मर्यादा और उसके जो कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है। लिहाजा हमने आज यहाँ पर जो दरख्वास्त दी है, मेमोरेंडम दिया है, सबने मिलके जितने माजी नगर सेवक और शहर के जो क्रीम हैं, सोशल वर्कर, सामाजिक संस्था से जुड़े लोग हैं जो आपके पास सामने खड़े हैं, कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के मार्फत हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है दरख्वास्त दिए कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फौरी एक्शन ले। जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो आदमी को रिलीफ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे आदमी को, ऐसे जो लोग हैं जो जेल के अंदर जमानत नहीं हुई और उनका कालावधि पूरा हो गया है, ऐसे लोगों की जहां जेल में ज़्यादा लोग संख्या से ज़्यादा संख्या है, ऐसे जो लोगों को रिलीफ करना, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था। तीनों को छोड़ना, इन्होंने जान पूछ के ये लोगों को छोड़ा है और सामने जो है गुजरात इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये दोषियों को छोड़ा है। ये देश की जो सरकार है वो जो है इस तरह के मुजरिमों का साथ देने वाले, जो पैसा लेके यहाँ का भागने वाले हैं यहाँ के जो लोग, और ऐसे लोगों को पैसा माफ़ करने वाली जो सरकार है, केंद्र सरकार, हम उसका निषेध करते हैं। अगर इन्होंने फौरी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ, तो हम अवामी आंदोलन करेंगे और लोकशाही हित से हम जो है फिर सड़कों पर आएंगे, उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे और कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं थी महाराष्ट्र और हमारे आबिदा बेगम, सलमा बाजी, मैजमिन बाजी और तमाम जो लोग हैं वो महिला मंडल से जुड़े हुए हैं, हिदायत भई है, मुनाब भई है, फजल भई है, ये सब लोग जितने सीनियर हैं हम देने आए हैं। ये केस था 2002 में बिल्किस बानो के जो अन्याय हुआ था उनके ऊपर, तो उसके खिलाफ उनके जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया है और इससे ये साबित होता है कि ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें ऐसी जो बात चल रही है ये बहुत बुरी बात है। लोकशाही का कहीं खात्मा तो नहीं हो रहा, हमें शक हो रहा है। हमारे जैसे सामान्य नागरिकों को अभी कोर्ट का कैसे क्या यकीन करेंगे, वो कैसा भरोसा करेंगे, कैसे जीना किसी ने, मतलब नागरिक ने कैसे जीना, ये बहुत अफसोसजनक बात है। और उसके लिए हम ये आंदोलन भी करेंगे आगे जाके, अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए तो हम निषेध करते हैं उन जो अपराधियों को छोड़ा इस बात का।